अली, हुक्म खलीफा को नहीं सुना आपने? खलीफा का हुक्म है कि अबू जर को कोई रुख्सत करने ना जाए। अली का रुख्सत करने के लिए आना अबू जर की सात पुश्तों के लिए काफी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने मरवान बिन हकम का मुकाबला करके अबू जर को रुख्सत किया और फरमाया, अबू जर, तुम्हारा गुस्सा अल्लाह के लिए है, लिहाजा तुम उसी से उम्मीद रखो। ये कौम अपनी दुनिया के बारे में खौफ ज़दा है और तुम्हें दीन की तबाही का खौफ है। अबू जर, हकीकत से मानूस रहो और बातिल के अलावा किसी और से मत घबराओ। अबू जर, ये जान लो कि अल्लाह है जो तंगियों में अपनी रहमत से राहों को खोल देता है। मज़र, शायद अबू जर है। जिन हो या इंस, मैं जर हूं। तुम खुद हो। मुझे वहम हो गया है, क्या मैं यकीन कर लूं? यकीन करो,
मैं भी तन्हा हो गई थी, अब हम जुदा नहीं होंगे। तुम तो शाम में थी। वही थी जब माविया को पता चला कि तुम शहर बदर हो गए, मुझे यहां भेज दिया कि मुनस रहूं। माविया ने भी सवाब का काम कर दिया। उम्मे जर खुशामदीद। खुदा तुम्हें खुश रखे अबू जर। खुदा तुम्हें सुकून अता करे। जाओ अमर अबू जर आप हैं। तुम कैसी हो मेरी जान, तुम्हारी भी याद सताती रही। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा उमेर सर, हम लोग चलते हैं। थोड़ा आराम तो कर लो, वक्त कम है और रास्ता तवील है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। तू हमेशा अमानतदार हो और सफर में बुर्दबार, हमने तुम्हें जहमत दी है। अगर कोई कर्ज हो तो हमारी गर्दन पर, खुदा तुम्हें इसका अज्र देगा। बरादर, हमारे दस्तरखान पे जौ की रोटी होती है, अगर आपके मुकद्दर में हो तो रात हमारे साथ गुजार लेना। ममनून अबू जर, हमें कबूल है, हमारे बस में नहीं है। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज। चलो भाई चलते हैं। चलो सुनो अबू जर, हमारे पास नानी जो के अलावा एक ऊंट, दो बकरियां और एक सियाह चादर है। हमारा खुदा है और ये एक बेटी है। अपनी बेटी के लिए खुरमे का दरख्त लगाएंगे और अल्लाह के लिए घर बनाएंगे। उम्मे जर, शायद रबजा हमारी आखिरी मंजिल है। अबू जर, मुझे भी इस पर यकीन है। रुको उम्मे जर, कहां रुको उम्मे जर, उम्मे जर।
रुको मेजर, कहाँ? बेसब्री ना करो, बेसब्री ना करो मेजर। दूर से कोई काली चीज हिलती हुई नजर आ रही है। वह मैं हूं मेजर, वह मैं। हज के मनासिक खत्म हो गए, काफिले सब वापस हो गए। हर तरफ से मौत के तीर चल रहे हैं, खाना खत्म हो चुका है, सहरा की खुश्की से बकरियां मर गईं, ऊंट बयाबान में निकल गया है। हमारी बेटी अबुसर, अबुसर हमारी बेटी। अगर हम जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद न करेंगे तो गुनाहगार होंगे। कहाँ? खलीफा के पास जा रहा हूं मैं सर। चल जल्दी वापस आना, कामयाबी के साथ आना। बड़ी देर लगा दी अब सर। परवरदिगार, इससे पैगंबर की जुर्रियत के साथ मशहूर फरमा। उठो अबुसर, इन दानों से हम अपना पेट भर सकते हैं।
اونٹ کی غذا. اٹھو ابو ذر، موت کا مقابلہ کرتے ہیں. میں کیوں نہ ہنسوں جبکہ موت کے خوف نے مجھے اس قدر حریص بنا دیا ہے. یہ تم کیوں کوشش کر رہی ہو؟ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. ہم خاک میں مل کر سر بلند ہوں گے. پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ بوڑھے کا موت سے ڈرنا ایک بچے کے رونے کی مثال ہے. اگر بچے کو معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو وہ بھی ہنسے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. غربت و بے کسی کے عالم میں جناب ابو ذر کی موت سے خلیفہ بھی لرز گئے. بنی امیہ کے ظلم و جور کے سبب عراق اور مصر کے حالات بگڑتے گئے. لوگ فریادیں لے لے کر خلیفہ کے بند دروازے کی چوکھٹ پر آنے لگے. جب لوگوں کا بنی امیہ کے خلاف اصرار بڑھتا چلا گیا تو آخر کار خلیفہ نے شکایتوں کی رسیدگی کے لیے اپنے والیوں کو مرکز میں بلا لیا تاکہ پریشانیوں کو برطرف کیا جائے. تم لوگ مصر سے عمرے کی نیت سے آئے ہو تاکہ کعبے کو پشت دکھاؤ؟ ہاں، اگر خطوط لائے ہو تو پڑھ کر سناؤ، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. تم نے ہمارے خطوط پڑھے بغیر ہی جلا ڈالے. ہم لوگ محنت کش کسان ہیں، جو بھی زمین میں بوتے ہیں حسرت سے کاٹتے ہیں. ہماری عورتوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. دریائے نیل کے کنارے والی وہ ہماری زرخیز زمینیں جو تم نے غصب کر لی ہیں، اب نیل کی پتھریلی زمین پر ہم اپنی ناک لگا رہے ہیں. تم نے کیوں تر کے وطن کر دیا مالک؟ کیا کوفے سے بیزار ہو؟ نہیں، امیر کوفہ سے بیزار ہوں. کوفہ کا کام تمام ہو چکا ہے زبیر. بصرہ کیا ہوا؟ بصرہ اور کوفہ ہمسایہ ہیں، اگر کوفہ میں زلزلہ آئے تو بصرہ بھی لرز اٹھے گا. کب تک اپنے دیار سے دور رہو گے مالک؟ ٹھہر کر دیکھتا ہوں کہ خلیفہ عمرہ سے مشورے کے بعد کیا کرتے ہیں. ان دھوکوں میں مت آنا، ظلم بھی انہی لوگوں نے کیا ہے جو خلیفہ کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں. جلدی کرو مالک، اس امنیاز پر کوفے کا دروازہ بند کر دو.
मेरे पास ऐसे तेज रफ्तार रहवार हैं कि हवा उनकी गर्द भी ना पा सके। कूफा हाकिम के बगैर है मालिक, तुम डुलमुल कर रहे हो। सफर का खर्च भी मेरे जिम्मे है, जो भी चाहिए बता दो, कोई मुश्किल नहीं। सुनो क्या लिखा है। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से ना हटा, तुम लोग भी सुनो। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से ना हटाए और एतदाल की राह इख्तियार ना करे, यानी खलीफा आदिल नहीं है, और राह एतदाल इख्तियार ना करे और शेखेन की सीरत पर अमल ना करे, तो ऐसी सूरत में मुहाजिर व अंसार खलीफा से अपनी बैयत को बातिल शुमार करेंगे। ये हमारी माजूली चाहते हैं। तलहा और जुबैर हाथ पैर मार रहे हैं राह की हुकूमत के लिए। साद इब्ने अबी वकास कूफे का माजूल अमीर और अमर इब्ने आस मिस्र का माजूल अमीर, ये दोनों अभी तक अपनी खोई हुई रियासतों के गम में आजादार हैं। तुम अम्मार, तुम किस रियासत का सौदा अपने सर में रखे हो? क्या तुम्हारी मोहर भी इस नविश्ते पर है? मेरी कमर तो अपने घर की रियासत में खम हो गई। मेरी मोहर जो तुम देख रहे हो उस हक के खातिर है जो बर्बाद हो गया। यह खुराफात नहीं, इस सिदा को खुदा ने खलीफा के दोष पर डाला है। साद जैसों की राय ने खलीफा को खलीफा बनाया। अगर साद की मोहर कोई हैसियत नहीं रखती तो खलीफा उस रिदा का मालिक कैसे बना जो पहने हुए है? इस तहरीर में अगर अली की मोहर होती तो मैं कम से कम इस जुर्म को कबूल करता और इस्तीफा दे देता। कम से कम तुम अली की खामोशी की हिकमत जानते हो। बस इतना जानता हूं कि अली कुएं खोदने में बहुत माहिर हैं। यह भी सुना है कि जमीन की तहों में पानी की आवाजें कुलकुल भी सुन लेते हैं। सुकूत अली नाखुंदा हदीसों का खजाना है। काश आले उमैया के कान उन्हें सुनने की सलाहियत रखते। ठहर जाओ अम्मार, तुम अली के फिदाई हो। मैं तुमसे एक दिलचस्प कसास का तालिब हूं। याद है तुम्हें अबू जर को रुख्सत करते वक्त तुमने अली के शाना बशाना होकर खलीफा की नाफरमानी की और मुझ बेवकूफ पर हंसे? अहमक हूं अगर मैं दुनिया के नकद को और वो भी आखिरत के उधार के बदले छोड़ दूं। तुम मुहाजिर और अंसार के मोतमेदीन के दरमियान सादिक शुमार किए जाते थे। मोहरताई तुमने उस सिया तहरीर पर लगाई है कि जो खलीफा को आदिल नहीं जानती और हमारी माजूली चाहती है। जहमत उठाई अम्मार, हम तक पैगाम पहुंचाया, अब इसकी जजा भी ले लो। तहजीब कौम का हम तमाशा बन गए हैं अम्मार। मुझे छोड़ो मालिक, मेरी आदत खराब न करो। हमेशा किसी मालिक का हाथ तो मेरा सहारा नहीं बनेगा। किसी जमाने में मैं अबू जहल का गुलाम था,
और मुरीद मोहम्मद। अबू जहल का ताजियाना, अम्मार का सियाह जिस्म और वो गर्म पत्थर, कभी मोहम्मद से अकीदत के जुर्म में तो कभी अली से उल्फत की सजा में। देख रहे हो मालिक, मेरा दिल और जबान उनकी मोहब्बत के लिए काफी है और मेरा जिस्म हमेशा के लिए गुलाम अबू जहल रहे। हम अपना वक्त तलफ कर रहे हैं अम्मार। वक्त तलफ कर रहे, इस कौम की रियासत तलबी का इलाज खून है न नसीहत। तलवार उठाना होगा, तलवार उठाना होगा अम्मार। आले उमैया का वहशी ऊंट जिस तलवार की वार के राम नहीं होगा। मैं चला। मालिक, अली से गाफिल न होना। हम लोग बेगैरत हैं अम्मार। अली बरसों से अपनी खामोशी के जरिए हमारी वफाओं के मुंतजर हैं। चलें कूफे की जानिब। यादों के घर में तुम्हें खुशामदीद कहती हूँ अमीर। ये घर आज भी खौफनाक है। अबू सुफियान की हैबत ने इसे खौफजदा बना दिया, वरना घर तो घर है। इसी घर में कभी हिंदा जैसी शेरनी रहा करती थी। ख्याल रखो तागत, खबरदार इन्हें गुस्सा न दिलाना। ख्याल रखती हूँ। इस वीराने को छोड़ दो बाबा, आपके लिए ऐसा महल बनवाऊंगा जो मोहम्मद की जन्नत से भी बेहतर हो। तुम्हारी जन्नत तुम्हें मुबारक। मैं ऐसा घर चाहता हूं जिसमें खुद हुकूमत करूं। हिजाज में अमन नहीं है। खलीफा के पास न फौज है न लब्बैक कहने वाले। मिस्र और कूफा में फसाद फैल चुका है। ऐसा न हो कि एक जमात अपनी जान पर खेल के गुस्से में तलवार खींच कर खलीफा पर हमलावर न हो जाए। ये सारी मुसीबतें उस मरवान का बिछाया हुआ जाल है जो सालों की जिलावतनी के बाद जुस्कीने के कुछ नहीं जानता। खलीफा ने अपने ऊपर जुल्म और मरवान पर लुत्फ किया है। वो खलीफा पर मुसल्लत हो चुका है। ये मैंने खुद देखा है कि खलीफा खुद मरवान है न उस्मान। इस मारिके में तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं क्या करूं, मेरी हुकूमत मुतजलजल न हो जाए। खलीफा से इल्तमास की कि शाम आ जाए, कबूल नहीं किया। कहते हैं सिपाही मदीना रवाना करूं। तो तुमने क्या सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा। क्या कहा जाएगा?
ये क्या खा रहे हो? ऊंट के गुर्दे, कहीं गले में फंस न जाए। तुम जवान नहीं हो, कोई ऐसी चीज खाओ जो तुम्हारे मिजाज के लिए मुनासिब हो। कनीज फरमा बरदार है, सर फिरी है, जवान भी है, या मेहंदी रचाया करती है, या जुल्फे सवारती है, आईने बहुत तोड़ती है। तुम्हें एक उम्र रसीदा कनीज चाहिए जो पाबंद रहे। इसको मैं ले जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरी खरीदूंगा। जाओ बेटा, ये दो, हर एक अपने अकलीम का बादशाह है, तुम अपनी अपने पास रखो, मेरी मेरे पास रहने दो। बेटा बाप से नहीं चुराता। हाँ, अगर हिंदा का बेटा ना हो। बाप की मीरास तो बेटे को मिल ही जाएगी, उस शर्त पर कि अबू सुफियान मर जाए। नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई तुम्हारी खातिर करे। मुझे उसके साथ रहने की आदत हो चुकी है। काश के मेरे साथ शाम आ जाते। शाम मेरे लिए साजगार नहीं है, मुझे सरजमीन हिजाज चाहिए। मुझे शाम ले जाओगे तो मेरी रूह को क्या करोगे? चाहते हो शाम में नाबूद हो जाऊं? हिजाज पहले से ज्यादा नाअमन हो चुका। मैंने आज से भी ज्यादा नाअमन जमाना देखा है, जब मोहम्मद ने काबे की सरदारी हमसे छीन ली और हमारे ही घर में हम पर हुक्म चलाया था। भूल गए? मैं उस दिन जान बचा कर न भागा तो आज किस तरह घर छोड़ दूं? उन दिनों शाम नहीं था, हिजाज में मोहम्मद थे, सब उनकी बात मानते थे, लोगों में एक दिली थी। डरो हिजाज से, आज हिजाज की तमाम जमीनों में आले उमैया की नफरत का बीज बो दिया गया है। जिधर देखो खून खून खून, खून से क्या उगता है जुज लटकती हुई तलवारें। अपनी जान बचाओ और शाम आ जाओ। मैंने शाम में ऐसी हुकूमत बनाई है जो खैसर और कसरा से ज्यादा है बदनाक है, मोहम्मद की हुकूमत से ज्यादा महबूब और सुलेमान नबी से ज्यादा कवीतर। अगर तुम ये ना करते तो अबू सुफियान के बेटे ना होते। अब जाओ, खलीफा को फौज रवाना करो जो तुमसे मांगी है। मैं अपनी फौज को सरजमीन हिजाज पर कुर्बान नहीं करूंगा। अगर मरवान एक लायक खलीफा है तो अपने मसाइल खुद हल करे। हुकूमत अगर इसी तरह दूसरों के बोझ को कांधा देने लग जाए तो हम हार जाएंगे। अगर खलीफा की मौत के बाद तुम्हें हिजाज वालों की बयत चाहिए तो बेतरफ रहना। खलीफा मजलूम की हिमायत में लश्कर रवाना करो, लेकिन जंग न करना। जानता था कि यह गधे का बच्चा खलीफा के कत्ल का सबब बनेगा। कबीले की हुरमत जाए जहन्नम, ये बेगैरत नमक की भी हुरमत नहीं जानता। अफसोस, ये फूल जैसी मरियम दरिंदा सिफत के पल्ले पड़ी है। रास्ता खोल दे। रास्ता खुला है सईद, मगर सिर्फ काफिलों के लिए। हमने अपने घर के दरवाजे बनी उमैया पर बंद कर दिए हैं। कूफे वाले अबू मूसा अशअरी को अपना रहबर समझते हैं। जाओ, खलीफा तक उनका पैगाम पहुंचा दो। खलीफा ने हमारे साथ मशवरा किया,
ऐसी गलतियां देखी जिन्हें हल करना चाहते हैं। जब हाथ से गिरा खुल सकती है तो फिर दांत से क्यों खोले। हम खलीफा से वही चाहते हैं जो महाजिर अंसार के रुसा ने लिखा है। यह जान लो कि खलीफा पर पहली तलवार तुम उठाओगे मालिक, और जंग बरादर कुशीद का पहला खून जो जमीन पर गिरेगा ता कयामत खुश नहीं होगा। पहला खून? तुम उम्मत मोहम्मद के गले में अबदी लानत का तौक पहनाओगे। पहला खून दीनार का खून था जो कूफे में बहा, मदीने में पसली की हड्डियां तोड़ी गई, सहराए रबजा में एक ऐसे मर्द की कब्र बनी कि जब तक दुनिया कायम है उसकी फरियाद दिलों को बरमाती रहेगी। जाओ सईद, फिर कभी कूफा आने का इरादा न करना। कूफे वालों ने अपने आप को मुसल्ला कर लिया है, सभी तीरंदाज शमशीरजन और नैजे चलाने वाले हैं। जो काम मर्दों के बस में नहीं होगा उसे कूफे की औरतें पत्थरों से अंजाम देंगी, और जब पत्थर नहीं हो तो अपने बच्चों को पत्थर के बजाय झोलियों में भर के दुश्मन की तरफ फेंकेंगी। देख रहे हो सईद, जाओ मरवानियों से कह दो अगर जंग का इरादा है तो शाम से कम लश्कर कूफियों के मुकाबले में न भेजे। मैं कूफे को नहीं छोड़ सकता मालिक, चाहे मुझे कत्ल कर दो या माफ कर दो। कूफे वाले अपने खताकार फर्जंद को माफ कर देंगे। उठो वरदान, तुम अपने घर के कैदी हो। अम्मूजान, कूफे को तबाह ना करें, कूफा शरी के हवाले किया तो सारा इराक हाथ से निकल जाएगा। मरवान, तुम्हें मेरी इताअत पर रहना होगा। अम्मूजान, अम्मूजान, तागेद, मालिक अश्तर के क़याम के बाद मोहम्मद इबन अबी हुज़ैफ़ा और मोहम्मद इबन अबी बकर ने मिस्र में क़याम किया। ये दो मोहम्मद दो खलीफा के बेटे थे, एक खलीफा सिव्वम उस्मान का मुगोला बेटा
اور ایک پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ یہ دونوں پریشانیوں کا اصلی سبب مروان ہی کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے عزم کیا کہ ظلم و جور کے چشمے کو خشک کر دیں۔ عثمان کے منہ بولے بیٹے محمد ابن ابی حذیفہ کے مصر میں قیام کے بعد ام المومنین عائشہ کے بھائی کی سالاری میں کچھ مصریوں نے مدینے کا رخ کیا۔ عائشہ بھی مروانیوں سے ناخوش تھیں اور جانتی تھیں کہ مدینے میں رہیں تو میدان منازعہ گرم رہے گا، لہٰذا ہوشیاری کرتے ہوئے عمرے کے بہانے مکے کا رخ کیا۔ ادھر طلحہ و زبیر جیسے کچھ مہاجر و انصار انقلابیوں کے ساتھ ملحق ہو گئے اور کچھ سعد ابن ابی وقاص کی طرح غیر جانبدار رہے، اور مروان اپنی خام خیالی میں لشکر شام کا انتظار کرتا رہا کہ شاید معاویہ کی مدد آ پہنچے۔ قاصد پر قاصد شام روانہ کیے گئے، لیکن نہ قاصدوں کی خبر آتی اور نہ ہی لشکر شام کی۔ خلیفہ بالکل اکیلے رہ گئے۔